करो भाई करो। ये ऐसे चलवा नहीं दिए। हेलो थोड़ा सा इसकी आवाज भी सुन ले, थोड़ा मजा ले ले। जयपुर की रोडों पे मैंने लिखा 600 का, थोड़ा जयपुर की रोडों पे मजा ले। कभी कभी मिलता है ऐसा मौका, रोजा थोड़ी मिलता है, तो आप लोगों को भी तो दिखाना बनता है ना। और देखो क्या खतरनाक व्यू आ रहा है, बढ़िया एकदम पहाड़ों पहाड़ों वाला व्यू, रोड एकदम साफ सुथरी, मजा ही आ रहा है यहाँ पे, अलग ही मजा आ रहा है भाई। और देख रहे हो व्यू, व्यू पॉइंट पता नहीं अब क्या हो गया भाई, फिर रोको। तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, इस चीज को मैं मिस नहीं करना चाहता था, तो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस, और कुछ बात नहीं है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। हो सकता है मेमोरी कार्ड भी फुल हो जाए, बट कोई नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, जितना होगा उतना ठीक। बाद में आगे जाके जहाँ लेंगे सारे के सारे वहाँ लैपटॉप से डाटा उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी का सीन ये है, हम लोग जयपुर सिटी में फंस चुके हैं, तो अब जैसे तैसे करके यहाँ से फटाफट से निकल रहे हैं। आधे राइडर्स को मैं लीड कर रहा हूँ और आधों का पता नहीं कहाँ है। ये पता नहीं सोटला शायद, जैसे गूगल अम्मा बता रही है हमें। इसके हिसाब से हम सही चल रहे हैं एकदम। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे दोबारा से स्टार्ट। अब जाके थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं सारे के सारे, नहीं तो बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था, मतलब दिल्ली से जयपुर आ गए कभी आधे आगे हो रहे हैं आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि यार अलग अलग सेगमेंट की बाइक है, कुछ ज़्यादा पावरफुल है, जैसे टैनर बहुत पावरफुल हो गई, फिर नीचे बेनेली हो गई, फिर ड्यूक 250 हो गई, एक्सपल्स हो गई, R15 वर्जन, अलग अलग सेगमेंट की सारी बाइक है, फिर एक कार भी है जो बिल्कुल ही अलग सेगमेंट हो जाता है, सब आगे पीछे पिछड़ रहे थे। तो अब जब ये डिसाइड हो चुका है कि कार ही आगे रहेगी, तो सारे एकदम सही है पीछे एकदम। ये सचिन भाई अपने मनाली पे, अभी जिनको पीछे करा हमने, उसके बाद रजत भाई अपनी एक्सपल्स पे हैं, उसके बाद अर्शद भाई, अपनी तो नहीं है उनकी, पर हाँ उनकी कार है अपनी, बट वो ड्यूक 250 पे हैं, अपनी कार उनके उसामा भाई चला रहे हैं। तो चीज़ें होती रहती हैं यार, ये राइड पे ना चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी किसी की ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हाँ एक चीज़ है, पब्लिक रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं, लिटरली अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। अब GoPro से इतना कैप्चर मैं कर नहीं पाऊँगा अकेला, मज़ेदार राइड है, मतलब ग्रुप के साथ इतनी लंबी राइड कभी नहीं मारी थी अभी तक, वो पहले यार सोलो राइड्स मारी हुई हैं, और कैंपेन भी फर्स्ट टाइम होने वाला है। सचिन भाई भाई बहुत डिसेंट बाइक चलाते हैं यार, लिटरली पावर होने के बाद भी वो पीछे पीछे रहते हैं हमेशा, सबके साथ चलते हैं वो, यानी कि पावर हाथ में आ गई तो भागते चले जाते हैं। ये देखो एक फोन का ब्लॉग बन रहा है, चलो जी भाई इंडिया में अपनी। कुछ
एंट्री हो रही है यहाँ से, मतलब यहाँ से रास्ता कटता है तो सांबर लेक के लिए जाता है, तो कुछ पहाड़ ऐसा सा दिख रहा है, बढ़िया सा व्यू आ रहा है एक, और इतनी बाइक्स के साथ अलग ही व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रही है। और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है तो भाई 50-60 से ऊपर हम 70 चल रहे हैं फिर भी यार। और इसी के साथ यहाँ पे हम कर चुके हैं सांबर साल्ट लेक की एंट्री, प्राप्त कर ली हमने। यहाँ फंस रही है, एक्सपल्स ही निकल रही है यहाँ तो। अभी तो नॉर्मल सी रोड है, हो ही गए शाम के लगभग 5-11 हो गए। पाँच ग्यारह बजे आके एंट्री हो पाई हमारी सांबर हेरिटेज रिसोर्ट। कुछ टैक्स लोड करके ही मानेंगे इतना पता है। बैटरी हो रही है लो, 19% बची है, और पता नहीं यार अभी कितना अंदर जाना है, लगभग 10-15 किलोमीटर और है, ऐसा ही रास्ता है, तो चल रहे हैं बस, चले जा रहे हैं। सुबह के निकले हैं और चले ही जा रहे हैं। इतना पता है बस। और गाड़ी जा रही है, गाड़ी चला रहे हैं उसामा भाई हमारे, तो वो रास्ता दिखा रहे हैं हमें, हालांकि उनको खुद को नहीं पता रास्ता तो एग्जैक्टली, बट वो भी पूछ के ले जा रहे हैं हमें। और शायद कुछ लग रहा है कि कुछ जगह पर आ गए हैं हम, जैसा देखने को मिल रहा है हमें, कुछ तो लग रहा है कि कहीं तो पहुंच गए हैं हम, थोड़ा लग रहा है, जैसा दिख पा रहा होगा आपको इस व्यू में। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यार इस टाइम पर ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है यार व्यू ना, मज़ा आ रहा है एकदम ही। और सनसेट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, और GoPro में बैटरी बची, और जो एक्स्ट्रा बैटरी है वो कार में है, तो अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि रोकना है, क्योंकि पहले ही बहुत डिले हो गए हैं हम लोग, पहले ही हमारा टाइम हो गया 5:30 हो गए हैं और हम डिले हो चुके हैं, तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई रुके। एक अपन बैग लेंगे, जल्दी, और बच्चों की खुशी देख रहे हो, खुशी लेवल देख रहे हो बच्चों का, अमेजिंग। भेड़ दिखी बहुत सारी, वो हाथ दर्द हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से पेनिंग हो गया अभी। एक काम करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए ब्लॉगिंग स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि आपको सन सेट ना दिखाऊं मैं, तो वो दिखाना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल करते हैं इसको बंद। ये आ चुके अब हम लोग सांबर, जहाँ मैं आना था, जहाँ पर हमने कैंपिंग करनी है। कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, चलो करते हैं थोड़ा सा
R5 का आज ऑफ रोडिंग टाइप ट्राई, फर्स्ट टाइम। ओ वाइजर बंद कर लेते हैं, बहुत धूल धूल कर दी उन्होंने, कुछ दिख नहीं रहा अब। एक्सपीरियंस हो रहा है, सही चल रही है 30 पे, इतनी भी स्लिप नहीं मार रही, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट ठीक है। टर्नर देखो कैसे जा रही है, देखते कहाँ तक जाएगी है। सबसे पहले इसमें धक्का देना है, चलो लेना पहले। बहुत दम लग रहा है भाई सच्ची में, चलो 1 2 3 भाई धक्का दो। करो 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 ओ भाई, क्या आओ यार धक्का लगाओ मिट, सैंड की वजह से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, सुबह से धक्का लगा लगा परेशान हो चुके हैं। करो भाई करो, ये ऐसे चलवा नहीं दिए। ओ भाई हालत हो गया खराब, तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी। बाइक गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कराई, मैट्स पड़े हुए गाड़ी के यहाँ पे, अब निकलते हैं अपनी नीलावती पे, जाने मन पे अपनी। इसकी हालत देखो एक बार, ये कैसी हो गई है, ये देख रहे हो कैसी हालत हो चुकी है इसकी, ये देखो अलॉय व्हील की हालत देखो। भाई देखो यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है अभी, अब स्टार्ट हो गई हमारी मॉर्निंग की, अपनी भी कुछ बहुत बेहतरीन बेहतरीन फोटोज़ लिए अपन ने हर बाइक की, तो अगर वो देखनी है तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है यहाँ पे, वहाँ जाओ फॉलो कर लो फटाफट से। के मैं कैसे मोटो ब्लॉग्स कर रहा हूँ, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आप कैसे ब्लॉग्स देखना चाहते हो, अब जैसा आप बोलोगे वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना मोटो ब्लॉग सेटअप रेडी हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से, GoPro अपना सही काम कर रहा है, थोड़ा सा हाँ इसके साथ इशू है बट ठीक है अपन संभाल लेंगे यार, आप लोगों को करना पड़ेगा इतना। तो अभी के लिए करते हैं बाय।